नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया की 5 सबसे महंगी कारों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें खरीद पाना अमीर लोगों के लिए भी आसान नहीं है। अगर आप भी कार चलाने का शौक रखते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये कार आपके होश उड़ा देगी। पोर्चे MKEUV। अगर मुझे किसी एक कार को लेने का मौका मिले तो मैं इस कार को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ये कार बाकी कार से बिल्कुल अलग है। इसमें एक समय पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, जिसे पोर्चे कंपनी ने फरारी कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। जब इस कार को पहली बार 2013 में जेनेवा ऑटो शो में दिखाया गया तो इसने वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। ओपेल 2050 कंसेप्ट। आने वाले 50 सालों के अंदर ये कार सड़कों पर धूम मचाती हुई दिखाई देगी, जिसे माया मार्कोवा नाम की एक कंपनी ने हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया है। इस कार में हर एक वो एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आपके सफर को और भी शानदार बना देगी। दोस्तों, आपके पास इस समय कौन सी बाइक या फिर कार है, कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखे। बुगाटी T99। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार में से एक है, जिसे बुगाटी कंपनी ने बनाया है। इस कार को ड्राइवर भी चला सकते हैं या फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक भी चल सकती है। इसके अंदर 2 लोग आगे पीछे एक साथ बैठ सकते हैं। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसके अंदर से हवा आसानी से पार हो जाए, जिससे ये और भी तेज दौड़ सके। रोल्स रॉयस एक्सटेरियन। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीने का शौक है तो रोल्स रॉयस कंपनी ने इसे आप ही के लिए बनाया है, जो लोगों के बीच आपका रुतबा और बढ़ा देगी। इस कार में सफर करते समय आपको लगेगा जैसे आप फ्यूचर में आ गए हो। हालांकि इसकी सबसे खराब बात यह है कि इसे हर कोई नहीं चला सकता, क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी ज्यादा है। फ्यूचर कंसेप्ट कार। अगर आपको रफ्तार से डर नहीं लगता या फिर आप हवा से बातें करना चाहते हो तो ये कार आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि इसका सफर आपकी लाइफ का सबसे यादगार सफर बन जाएगा। कोरियन डिजाइनर ने इसे इसलिए बनाया है ताकि ये रेसिंग कार की दुनिया को बदल सके। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी एक कार को चलाने का मौका मिले तो आप कौन सी कार को चलाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।